मतलब ये कि खुद तो तू जबरदस्ती इस घर में आ ही गई है, हाँ? अब अपनी बहन को भी इस घर में ला रही है, कब्जा ग्रुप, हाँ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। और तू विचोलन बनी हुई उनकी मदद कर रही है। जवाहर इफ्रा को पसंद करता है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता और ना ही मेरी माँ ये बात पसंद करती है। एक काम कर, अभी अपने बाप को फोन कर, अभी बोल उसको, उसको बोल कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। ऐसा नहीं करूंगी जवाहर इफ्रा, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा तुम? अभी फोन कर अपने बाप को और बोल कि रिश्ते से इनकार करे। ऐसा नहीं करूंगी। आपको मसला है तो आप ताया अबू या जवाब से खुद बात करो। जुबान चला दिया अब, और थप्पड़ और बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शकल देख अपनी, क्या लग रही है, देख देख, जोकर लग रही है, जोकर। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। किस बात का सोग मनाया जा रहा है? और तो किसी बात पर इख्तियार नहीं है, सोग तो मनाने दे मुझे। क्या क्या अरमान थे अपने बेटे की शादी के लिए, आपने और जवाद ने मिलकर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वैसे कितनी वक्ती और सतही सोच है तुम्हारी। जिस तरह मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, उसके नतीजे देरपा और दूर रस होते हैं। लिहाजा खत्म करो ये सब नाटक और बेटी की शादी की तैयारी करो। अब कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं कि अगर जवाद इफ्रा से शादी करना चाहता है तो उसकी खुशी को बर्बाद मत करो। इस सब में हमारी बेहतरी है। यहाँ रख दो। शुक्रिया। समरा तुम क्यों काम कर रही हो, खुद रानी कहाँ है? ताबू सिर्फ चाय लाई। कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, बैठो। मुझे तुम लोगों को खुशखबरी सुनानी थी। बाप, कौन सी खुशखबरी? फयाज का फोन आया था, तुम्हारी रफरा की बात पक्की कर दी उसने।
हाँ कैसे ना करते, बैठे बिठाए लॉटरी जो निकल आई है। नहीं वैसे देखा जाए तो आपकी भी लॉटरी निकली, इतनी अच्छी सुगर बहू जो आ रही है आपके पास। मेरा मुंह मत खुलवाओ तो बेहतर होगा, अच्छी तरह से जानती हो फ्रैंक कितनी सुगर है। ज्यादा जलना कुड़ना बंद कर दो और जवाद की शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी इतनी जल्दी? अब्बा वैसे अम्मी ठीक कह रही हैं, अभी तो मैंने जॉब स्टार्ट की है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मुझे मिलेगी। अभी मंगनी कर लेते हैं, 2 महीने बाद शादी। कह तो तुम सही रहे हो लेकिन मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ निकाह हो जाए, शादी 2 माह बाद कर लेंगे। तुम्हारी शादी में बहुत इत्मीनान से करना चाहता हूँ। राशिद की शादी तो बहुत जल्दबाजी में हुई थी। और समरा बेटा तुम तो अभी से तैयारी शुरू करो। जीता राशिद जी फरमाइए। समरा का ख्याल रखना है और तैयारी में उसकी मदद करनी है, समझे? समझ गया, सब समझ गया। अब एक बात ना मुझे भी आपसे कहनी है, सुन लेंगे आप? एक ही कहना कहो। आप एक ही सुन ले तो बड़ी बात है, मैं राजी नहीं हूं इस रिश्ते से। आपको हम दोनों भाइयों के लिए चचा फयाज के घर मिला था, मेरी तो आपने कर ली जबरदस्ती, अब मेरे भाई की भी। अजीब बात है राशिद भाई, जबरदस्ती शायद आपके साथ हुई होगी, मेरे साथ नहीं। मुझे तो इफ्रा बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। लो सुन लो। सुन लिया? आइंदा इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा, ये तो शदीद नाइंसाफी है, वो किसी की बात क्यों नहीं सुनते? बस तुम देख लो नादरा, बैठो। क्या बैठूं? नहीं परेशानी वाली बात बता दी है। मेरा ना पूछो क्या हाल हुआ, बस मुख्तार साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी देवरानी की बच्ची है ना, तेज तरार है, और मुझे देखो बड़ी खाला बन के निकली थी मैं अच्छी सी लड़की ढूंढने जवाब के लिए, और मिल भी गई थी। अमेरिका में रहती है इतनी प्यारी पढ़ी लिखी, वो साबिर की कजन नगमा है, अमेरिका में रहती है, अमीर तरीन फैमिली, और वो चाहते थे कि शादी पाकिस्तान में हो। मैं सोचा था जवाद की शादी उधर हो जाएगी, तुम भी खुश, सब लोग खुश होंगे। छोड़ो ना, अब क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? वैसे तुमसे ज्यादा बेबस औरत नहीं देखी। बीवियां होती है जानती है किस तरह से अपने शौहर को कंट्रोल करें, और एक तुम हो। मुख्तार साहब के सामने किसी की नहीं चलती, उन्होंने तो राशिद तक को डांट दिया। अरे वो भी कहाँ चाहता है इफ्रा और जवाद का रिश्ता हो। तो सही इख्तलाफ कर रहे हैं ना, पहले मुख्तार भाई ने राशिद की जिंदगी तबाह की और अब जवाद की। जवाद की तो तुम रहने ही दो भाई, ये सब कुछ उसी के कहने पर तो हो रहा है। अरे इफ्रा से शादी ना होने पर कैनेडा जाने और शादी ना करने की धमकी दी है उसने, फिर क्या करते भाई? कब करवा रही हो शादी? अभी तो सिर्फ निकाह है, रुख्सती 2 माह बाद होगी। नरगिस क्या पता तब तक जवाद अपना माइंड चेंज कर ले, 2 महीने में कुछ भी हो सकता है नरगिस। लेकिन मुख्तार को नहीं तुम जानती, वो जो एक बार फैसला कर ले ना बस उसी पर रहते। लेकिन वो मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या सोच रही हो? मैंने अगर फयाज और आफिया की इन दोनों लड़कियों को उनके औकात याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं, बस देखती जाओ।
ठीक है, चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी ताई अम्मी। ये तुम कब तक पीला जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी बैठी रहोगी? तुम कोई अनोखी मां नहीं बन रही हो जो दिन रात आराम ही करती रहे। घर है तुम्हारा, इसे अपना घर समझो। पोचे वोचे लगाओ, कोई डस्टिंग करो, चीजें बेतरतीब हो रही हैं उन्हें देखो। लेकिन नहीं, तुम तो बस आराम ही करती रहती हो। चलो उठो, काम वाम करो। वो टाइम, लेकिन मैंने घर के सारे काम बांट दिए थे और किचन का काम भी जो है वो रानी को बता दिया था। अच्छा, ओ इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ ने मुलाजमों की फौज रखी थी, है ना? और बीबी, मेरा काम तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन अपने खामंद के लिए खाना तो बना सकती हो ना, घर के दूसरे काम तो कर सकती हो ना, या तुम्हारे हाथ टूटते हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं ताइमी? मेरे शौहर हैं, मैं सारा काम। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। उठो, काम करो सारे। और सुनो, कमरे के और लाउंज के पर्दे गंदे हो रहे हैं, तुम्हें तो नजर नहीं आए ना? उतारो उन्हें और याद से भेजो ड्राई क्लीन के लिए। नीचे करो। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना।